दरअसल वो उसको बचाने नहीं, अपनी दरिंदगी और अपनी हवस उस पर निकालने जाता है। मरियम नवाज साहिबा जो बड़ी वजीर आला बनी फिरती हैं, उनका सिर्फ जोर सड़कों के ऊपर चलता है। कॉलेज का नाम बड़ा था, पंजाब कॉलेज था, इस वजह से वो सील नहीं हुआ। इतना बुरा हाल है लाहौर का जिसकी एक खातून वजीर आला है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जुहा राशिद। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पंजाब कॉलेज कैंपस 10 गुलबर्ग में, जहां पर एक लड़की के साथ ज़्यादती की है गार्ड ने। हुआ कुछ यूं है कि वो लड़की अचानक बेसमेंट में बंद हो जाती है, और जब वो बंद होती है तो एक गार्ड उसको बचाने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन दरअसल वो उसको बचाने नहीं, अपनी दरिंदगी और अपनी हवस उस पर निकालने जाता है, और उसके साथ वो वहाँ पर ज्यादती कर देता है, जिस पर लड़की चीखती है चिल्लाती है, और एक टीचर जो है वो उसकी आवाज़ सुनते हैं और फिर उसको वहाँ पर बचाने के लिए आते हैं। उस गार्ड के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जो पंजाब कॉलेज है, इतना ये मशहूर कॉलेज है जिसके जो ऑनर हैं वो मियां आमिर महमूद हैं, जो दुनिया न्यूज़ टीवी के भी ऑनर हैं, लाहौर न्यूज़ के भी ऑनर हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ अभी तक कोई भी जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई FIR नहीं कटवाई, और सब इस पर बिल्कुल खामोश हैं। पंजाब कॉलेज के टीचर्स, उनके जो स्टाफ मेंबर हैं, वो बच्चों को इस तरह धमका रहे हैं कि अगर आपने इसके बारे में कुछ बोला तो आपको कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। जिस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसका फ़ोन भी तोड़ दिया गया, उसकी दोस्तों का फ़ोन भी तोड़ दिया गया। वो लड़की इंतहाई बुरी हालत में ICU में इस वक्त एडमिट है। आज पंजाब कॉलेज के बच्चों ने 12 बजे एहतजाज की कॉल दी थी, जिस पर कॉलेज वालों ने पुलिस की मदद लेके पुलिस को बुला लिया, और पुलिस के लिए हमें तालियां बजानी चाहिए कि पंजाब पुलिस जो है वो कॉलेज के ऊपर बात करने की बजाय वो कॉलेज वालों के साथ मिलके बच्चों के ऊपर जुल्म करी है। बच्चों के उन्होंने सर फाड़े हैं, लड़कियों के सर फाड़े हैं, लड़की लड़कियों को मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी है। ये हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे लाहौर में क्या हो रहा है? दूसरी तरफ लाहौर कॉलेज है, वहाँ पर भी यही हमें खबर सुनने को मिलती है कि जो मेल स्टाफ है वो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती करने की कोशिश करता है। तीसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने खुदकुशी के कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। मरियम नवाज साहिबा जो बड़ी वजीर आला बनी फिरती हैं, उनका सिर्फ जोर सड़कों के ऊपर चलता है, वो सिर्फ सड़कें बना रही हैं, उनको नहीं पता कि हमारे लाहौर शहर में क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह जो है वो उनके साथ जुल्म हो रहा है। वो कहाँ पे गायब थी? वो तब सोई हुई थी, खामोश तमाशाई बनी हुई थी जब उस लड़की के साथ ज्यादती हो रही थी। वो कल से वहां पर बिल्कुल नहीं गई, और ना उन्होंने कोई FIR दर्ज करवाई है, ना अभी तक कॉलेज सील हुआ है। सिर्फ कॉलेज का नाम बड़ा था, पंजाब कॉलेज था, इस वजह से वो सील नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? हमारे माँ बाप लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो ये समझ के भेजते हैं कि हमारी लड़की महफूज है। यहाँ पर तो एक छोटी 3 साल की बच्ची हॉस्पिटल में महफूज नहीं है, कॉलेज तो बड़ी दूर की बात है। फिर मर्द कहते हैं जी कि लड़की ने लिबास ठीक नहीं पहना हुआ था। उस लड़की ने जिसके साथ ज्यादती हुई है कॉलेज में, उसका क्या लिबास था? उसने सिंपल सिर्फ एक कमीज और एक शलवार पहनी हुई थी, उसके साथ ज्यादती क्यों हुई? ये सब बकवास है, और मर्द सिर्फ अपनी दरिंदगी और अपनी हवस बुझाने के लिए ये सारी बातें करते हैं। देखिए हमारे लाहौर का हाल, इतना बुरा हाल है लाहौर का जिसकी एक खातून वजीर आला है।